दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ये चोर मीनार का वो दरवाज़ा है जहाँ से उन चोरों को लेकर आया करते थे, और लेकर आने के बाद उनकी जो गर्दनें हैं यहाँ पे किसी तरीके से काट दिया करते थे। दोस्तों फिर से स्वागत है नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चोर मीनार। जी हाँ फ्रेंड्स, वो चोर मीनार जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो उनके दौरान में उनकी 20 साल शासनकाल में जो चोरी किया करते थे या उनके खिलाफ थे या जिन्हें वो नापसंद किया करते थे, उनकी फ्रेंड्स गर्दनें काट कर इस चोर मीनार पर लटका दिया करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं उन्होंने किस तरीके का चोर मीनार उस दौर में बनाया था, जो उनके इलाके में आज जो चोर हैं वो खौफ खाया करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। यहाँ आप देखेंगे तो ये है चोर मीनार, और बाहर से आप देखें तो इसका जो शेप है बिल्कुल फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी की जो टोपी हुआ करती थी उस तरीके का इसे आकार दिया गया है। और यहाँ आप चारों तरफ देखें तो ये पूरी एक तरीके से बाग है और एक छोटा सा पार्क है जिसकी साफ़ सफाई फ्रेंड्स हुआ करती हैं, और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है ये पार्क। तो दोस्तों ये है वो चोर मीनार जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में उस दौर में बनाया था ताकि जो भी उनके दरबार में चोरी किया करते थे या जिन्हें वो पसंद नहीं किया करते थे उनकी गर्दनें काटकर, यहाँ आप देख सकते हैं इस जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं यहाँ पे बंछी में उनकी गर्दनों को लेकर और यहाँ लटका दिया करता था, और लोगों को दिखाया जाता था कि अगर कोई उनके दरबार में चोरी करता पकड़ा गया या उन्हें नापसंद करता गया तो उनकी गर्दनें इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ लटका दी जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं ये है वो चोर मीनार, और देखें तो ये है छोटा छोटा होल्स जो आज भी मौजूद है, और यहाँ पे कई लोगों की उन्होंने गर्दनें काट के बंछी में यहाँ पर इस तरीके से लटका दिया गया था। दोस्तों ये जो चोर मीनार है फ्रेंड्स ये 2 मंजिला इमारत है, और इसके नीचे आप देखें तो ये चौकोर टाइप का चारों तरफ से एक बाउंड्री कह सकते हैं ये बनाया गया है, और इस बाउंड्री के अंदर फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे दर जिन्हें आर्क कहते हैं वो यहाँ मौजूद है, और आप देख सकते हैं ये नीचे बना हुआ है छोटा छोटा जो दर है वो चारों तरफ से बनाया गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 मंजिला इमारत है फ्रेंड्स, और इसके अंदर आपको साफ नज़र आ रहा होगा उस दौर का जो इसमें छेद है होल है इस इमारत में वो साफ़ दिखाई दे रहा होगा, और इसी होल में बंछी के साथ जो लोगों की गर्दनें हैं वो टांग दिया करते थे अलाउद्दीन खिलजी जो उनके दौर में चोरी करता पकड़ा गया या उन्हें नापसंद था या उनके खिलाफ हुआ करता था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं तो वो खिलजी सल्तनत के दूसरे सबसे बड़े बादशाह रह चुके हैं फ्रेंड्स। उन्होंने भारत से मंगोलियों के लिए छः बार बड़ी बड़ी युद्ध की और जिन्हें खदेड़ा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 5,000 मंगोलियों के सर कटवाकर यहाँ नहीं, उन्होंने सीरी फोर्ट एक बनाया है वहाँ पर चुनवा दिया गया था। तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो मंगोलियों के कहीं ना कहीं बाप हुआ करते थे, और भारत को उस दौर में 6 बार उन्होंने बचाया। जो मंगोलिया थे फ्रेंड्स वो काफ़ी ख़तरनाक हुआ करते थे, उनको जो शरीर की गंदगी बहुत ज़्यादा आती थी उनके में, अगर उन्हें प्यास कभी लगा करता था फ्रेंड्स तो वो ऊँटों की गर्दनें काट कर उसमें से खून पी जाया करते थे, अपनी गंदगी हर तरफ छोड़ जाया करते थे, और बहुत ही दुष्ट थे। हर जगह अपनी जो बादशाहत है वो बरकरार रखने के लिए हर जगह लूटते थे काटते आया करते थे फ्रेंड्स, इतने ख़तरनाक हुआ करते थे, जानवर थे फ्रेंड्स जानवर, और उन जानवरों का बाप था अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने भारत को 6 बार मंगोलों से बचाया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यही वो अलाउद्दीन खिलजी ने इस चोर मीनार को बनाया था, और इस चोर मीनार का जो शेप है बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के टोपी से मिलती जुलती है फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये चोर मीनार का वो दरवाज़ा है जहाँ से उन चोरों को लेकर आया करते थे, और लेकर आने के बाद उनकी जो गर्दनें हैं यहाँ पे किसी तरीके से काट दिया करते थे, और काटने के बाद आप यहाँ देखें तो अंदर जाने में एक छोटा सा गेट है जो कि आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा करीब से दिखाने की।
और तो आप चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है, और ये वो गेट है जहाँ जहाँ अंदर ले जाकर, और ये दो मंजिला आप देख सकते हैं, ये टोपी नुमा शेप बना हुआ है। यहाँ पे उनकी जो गर्दनें हैं बर्छी के साथ लटका दिया जाता था, और लोगों को ये संदेश दिया जाता था कि अगर कोई उनके दरबार में इस तरीके से चोरी करता पकड़ा गया या उनके खिलाफ है तो उसकी गर्दनें इस तरीके से यहाँ पे लटका दी जाएंगी। तो ये है वो चोर मीनार फ्रेंड। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और मैंने आज आपको अलाउद्दीन खिलजी का चोर मीनार दिखाया फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।